वेलकम टू गरिमास किचन। हमारी आज की रेसिपी है ताजे मटर की बेड़नी पूरी। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। हरा मटर 2 कप, हरी मिर्च 3, हरी धनिया की पत्तियां 20 ग्राम, गेहूं का आटा 5 कप, अजवाइन 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच, कुकिंग ऑयल। पहले हम एक जार में हरे मटर ले लेंगे। हरे मटर को मैंने अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब हम जार में हरी धनिया की पत्तियां डाल देंगे, फिर हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल में आटा लेंगे और उसमें अजवाइन डालेंगे, फिर अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर लहसुन का पेस्ट डालेंगे और नमक डालेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। फिर इसमें हम मटर का पेस्ट डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। पूरी का डो टाइट ही होना चाहिए, जैसा हम नॉर्मल पूरी का आटा तैयार करते हैं उसी प्रकार से इसे तैयार करना है। ये देखिए डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद फिर हम हल्का सा इसे गूंद लेंगे। अब हम इसकी लोइयां तैयार करेंगे। उसमें थोड़ा सा तेल लगाकर पूड़ी के आकार का बेल लेंगे। अब हम तेल गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, अगर ये ऊपर आ गया इसका मतलब तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पूड़ियों को तल लेंगे। पूड़ी को हल्का गोल्डन होने तक तलना है, दोनों साइड से इसी प्रकार से तलना है। ये देखिए पूड़ी तल चुकी है। अब इसी प्रकार से हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। फ्रेंड्स ये पूरी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही कुरकुरी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। आप सभी भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरी कैसी लगी। दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देसी कलर्स को फॉलो करें। थैंक यू।